हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल डियर मॉम। गाइस, आज मैं आपके साथ एक नई वीडियो शेयर करने के लिए जा रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये मैंने टॉप तैयार किया है और ये बहुत ही अच्छा और आसान तरीके से बनाया है मैंने। इसको हम जीन्स पर भी पहन सकते हैं और बिना जीन्स के भी हम इसको पहन सकते हैं। आगे से ऊँचा है और पीछे से नीचा है, यानी कि आगे से शॉर्ट है और बैक साइड से लॉन्ग है। और मैं इसको आसान तरीके से आपको बनाना सिखाऊंगी और इतना आसान तरीके से बनाना सिखाऊंगी कि आप बहुत ही जल्दी इसको बनाने सीख जाएंगे और बना लेंगे। कितना अच्छा ये बैग बना है। इसके लिए मैंने कपड़ा लिया है 40 इंचेस का और इसको मैं 4 फोल्ड कर लूँगी। 40 इंचेस के कपड़े को हम 4 तह में कर लेंगे, यानी कि 4 फोल्ड कर लेंगे बराबर बराबर पकड़ते हुए। और इस प्रकार से हम 4 फोल्ड इसको करके हाथों से सेट कर लेंगे बिल्कुल, ताकि इधर उधर हमारा कपड़ा ना हो। और इस प्रकार से हम इसको करने के बाद हम इसको गोलाई में कट कर लेंगे। और गोलाई में कट करने के बाद 17 इंचेस ऊपर का कपड़ा रखेंगे और नीचे का 22 इंचेस रखेंगे। और इस प्रकार से हम रख करके इसकी गले की कटिंग ले लेंगे। यहाँ पर हम 2 इंचेस पर टिक कर रहे हैं, 2x2 इंचेस पर। दोनों साइड में हमने 2x2 इंच पर टिक किया हुआ है। और यहाँ पर हम गले की गोलाई लेंगे और इसको कट कर लेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये हमारा नीचे का जो टिक किया हुआ है, ये हमारा 2 इंचेस पर फिर से है और 4 इंच की लेंथ है उसकी आर्म होल की। और ये हमारा गला है, इसको हम कट कर लेंगे। ये आर्म होल है, इसकी जो लेंथ है वो 4 इंच की है। इसको भी हम गोलाई में कट कर लेंगे। और ये बड़े ही सरल तरीके से मैं आपको बनाने वाली हूँ, आप वीडियो स्किप ना करें। इस प्रकार से ये हो गया है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ देखिए, ये बिल्कुल, अब इसमें हम छोटा सा कट देंगे एक साइड में, जिधर लॉन्ग साइड है उस साइड, क्योंकि वो हमारा बैक में आएगा, ये बैक का है। और इसमें हम पट्टी लगा लेंगे, पट्टी में भी एक कट लगाया है उसी तरीके से, सेम तरीके से। और इसके ऊपर रखेंगे और स्टिच करेंगे इसको। इस तरीके से हम बनाएंगे तो बहुत ही अच्छे से और सरल तरीके से बन जाएगा और हमें पट्टी लगाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। गाइज, मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मेरा जो चैनल है वो बैग्स का है, बैग्स मेकिंग का है। मैं बैग बनाने की वीडियो शेयर करती हूँ और मैं आज आपके साथ टॉप की वीडियो शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर अब हम इसको फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद इसके किनारे किनारे हम टॉप स्टिच करेंगे इस प्रकार से। और इसको अंदर फोल्ड करते हुए दोनों साइड में हम टॉप स्टिच किनारे किनारे कर लेंगे। और इससे बहुत ही अच्छे से ये गला जो पीछे का है बन करके तैयार हो जाएगा। चाहें तो आप इसमें हुक लगा लें, चाहें तो आप इसमें बटन लगा लें, या कुछ भी लगा सकते हैं आपको जो अच्छा लगता है। इस प्रकार से ये बन गया है। और अब हम इसमें क्या करेंगे, ये जो किनारे हैं उसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करके और हाथों से सेट करके हम इसको इस तरीके से सिल लेंगे। ये हमारी डबल सिलाई हो गई इस प्रकार से। यहाँ आप देख रहे हैं, मैं आपको सिल करके दिखा रही हूँ। और फिर से मैंने फोल्ड किया है, फिर से मैं सिल रही हूँ। यानी कि वो फ्रंट साइड थी, ये अंदर साइड है, उल्टी साइड है। उल्टी साइड से आप देख रहे हैं मैंने कैसे सिलाई की है। और ये हमारा तैयार हो गया है। अब हम क्या करेंगे, इसमें एक कपड़ा लेंगे और कपड़े को गले के फ्रंट साइड में रखेंगे। गोल कपड़ा ले लेंगे, गोल ना लें तो चौखोटा भी ले सकते हैं, क्योंकि उसको हम बाद में काट भी सकते हैं। तो इस प्रकार से मैंने जो कपड़ा है वो फ्रंट साइड में रखा है और मैं बैक साइड से सिलाई कर रही हूँ। आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, ये जो गले की पट्टी दिखाई दे रही है पीछे साइड की, गले की नहीं, पीछे साइड की जो पट्टी हमें दिखाई दे रही है, ये हमारा उल्टा साइड है।
और इसको हम पिनअप कर लेंगे। पिनअप करने के बाद सिलाई करेंगे ताकि हमारा कपड़ा इधर उधर ना हो। मैंने यहाँ पर पिनअप कर लिया है और अब मैं आपको सिल करके दिखाऊंगी। यहाँ पर इस प्रकार से किनारे किनारे हम सिलाई करते चले जाएंगे गोलाई में। और बहुत ही सरल तरीके से आपको मैं बता रही हूँ इसका गला और पीछे से जो मैंने कट दिया था उसको सिलने के लिए, बिल्कुल ही सरल तरीके से मैं बता रही हूँ आपको। और अब हम इसमें क्या करेंगे, यहाँ पर भी सिलाई करेंगे और उसके बाद सिलाई करके पूरा करने के बाद हम इसको मशीन से हटा लेंगे। हटाने के बाद हम इसमें एक छोटा कट देंगे और कट देने के बाद सारे को हम किनारे किनारे कट कर लेंगे, यानी कि बीच साइड में जो भी कपड़ा आया है हम उसको कट करेंगे। सिर्फ मैं आपको कट करके भी दिखा रही हूँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं इस तरीके से हमें कट करना है, सारे को कट कर लेना है। इस प्रकार से हम जो गला बनाएंगे तो बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी और बिल्कुल ऐसा रेडीमेड लुक आएगा इसका, कि कहीं से ऐसा नहीं लगेगा कि ये हमने अलग से बनाया है या कुछ ऐसा। यहाँ पर देखिए ये मैंने पूरा कट कर लिया है इस तरीके से, और जो स्मॉल कट यहाँ पर दिया है। और अब हमने जो पीछे साइड में जो कपड़ा जोड़ा था उसको हम गोल कटिंग में दे देंगे। ये देखिए मैंने कट दे दिया है, अगर चुकुटा होगा कपड़ा तो अभी ठीक है, चौकोर कपड़ा होगा तब भी हम उसको लगा सकते हैं और बाद में हम गोल कट दे सकते हैं। और इसके बाद हम जो गले में स्मॉल कट्स दे देंगे, नोजेस लगा देंगे छोटे छोटे, और इस प्रकार से ये हमारा जो है गला रेडी हो जाएगा। बैक साइड को फोल्ड करेंगे इस प्रकार से और टॉप स्टिच करेंगे किनारे किनारे, बहुत ही अच्छी फिनिशिंग आएगी इससे हमारे गले की, टॉप की बहुत ही अच्छी फिनिशिंग। यहाँ पर मैं आपको दिखाऊंगी अभी बना करके। ये देखिए किनारे किनारे सिलाई कर रही हूँ यहाँ पर। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आप मेरे चैनल को विज़िट करेंगे, देखेंगे, वीडियोज़ में जाएंगे, तो आपको वहाँ पर हर प्रकार का बैग मिलेगा, छोटे और बड़े बैग मिलेंगे। मैंने कई प्रकार के बैग बना रखे हैं और आप मेरे चैनल को देख सकते हैं और सीख सकते हैं। यहाँ देखिए उसी प्रकार से हम ये जो हमारा आर्म होल है उसको सिलेंगे, और हमने ये सिल लिया है, बीच में से कट दे देंगे सारा। यहाँ पर आप देख रहे हैं, और सेम जैसे हमने गला बनाया था वैसे ही हम इसको छोटे छोटे कट्स दे देंगे, और कट्स देने के बाद टॉप स्टिच कर लेंगे, अंदर साइड से तुरपन कर देंगे। और इसके बाद हम इसके आस्तीन के लिए जो हम छोटी एक स्ट्रैप तैयार कर रहे हैं और उसको एक साइड से सिल करके हमने उसको सीधा कर लिया है, और इसमें प्लेट्स डाल देंगे इस प्रकार से। मैं आपको डाल करके दिखा रही हूँ यहाँ पर, पूरे में हम इसी प्रकार से प्लेट्स डाल करके हम इसको तैयार कर लेंगे। ये 28 इंच का हमारा तैयार हुआ है कंप्लीट, और 28 इंच में से हम इसको दो भागों में डिवाइड कर लेंगे, यानी कि 14 इंचेस का हम इसको कट करके तैयार कर लेंगे। ये हमारे पास दो हो गए हैं, और जो हमने आर्म होल बनाया है उस आर्म होल में हम अंदर साइड में रखेंगे इसको, और सेंटर पॉइंट से सिलना शुरू करेंगे। और सेंटर पॉइंट से सिल करके जो हमारा नीचे साइड का है, जो हमारी बगल साइड है यानी कि नीचे साइड है, वहाँ पर थोड़ा हिस्सा रह जाएगा सिलने से, क्योंकि हमें ऊपर ऊपर साइड में सिलना है, सिर्फ पूरे आर्म होल में नहीं लगाना है इसको। मैं आपको लगा करके दिखा रही हूँ, हमारा थोड़ा हिस्सा इसमें रह जाएगा इस प्रकार से। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा रहता है, ये हम यहीं पर इसको स्टॉप कर देंगे, क्योंकि हमने 14 इंचेस लिया है, जितना हमारा दोनों साइड में आता है उतना ही हम लगाएंगे, क्योंकि हम इसको सेंटर पॉइंट से ले रहे हैं। सेंटर पॉइंट से दोनों साइड को हम सिलेंगे, पहले एक साइड को सिलेंगे फिर दूसरे साइड को सिलेंगे। अब मैं दूसरी साइड आपको सिल करके दिखा रही हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हैं मैं दूसरी साइड आपको सिल करके दिखा रही हूँ।
और इस प्रकार से हम दोनों साइड की सिलाई कर लेंगे। सेंटर पॉइंट से एक साइड को सिलाई करेंगे, फिर दूसरी साइड को सिलाई करेंगे, तो हमारा ये जो इसकी लेंथ है 14 इंचेस बिल्कुल फिट आ जाएगी। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, और थोड़ा हिस्सा रह जाएगा नीचे साइड का। और ये दोनों मैंने ऐसी प्रकार से सिला है। यहाँ आप देख रहे हैं हमारे आर्म होल, हमारी आस्तीन भी तैयार हो गई और हमारा गला भी तैयार हो गया हमारे टॉप का। और इस प्रकार से हम देखेंगे यहाँ पर, अभी टिक करेंगे यहाँ पर, हम गले से इंच टेप रखेंगे और टिक करते चले जाएंगे, 10 इंचेस पर टिक करते चले जाएंगे। सारे में हम इसी प्रकार से पूरी गोलाई में 10 इंचेस पर टिक करते चले जाएंगे। मैं आपको करके भी दिखा रही हूँ साथ में। जब इस प्रकार से ये देखिए, सब मैं आपको करके दिखा रही हूँ, पूरे में हम गोलाई से इसी तरीके से निशान लगा लेंगे सब में। बिल्कुल ठीक ठीक पकड़ के, आड़ा तिरछा ना हो, इस तरीके से हम ये टिक्स करें, क्योंकि इधर उधर भी हो सकते हैं। और ये देखिए यहाँ पर भी हम टिक लगा रहे हैं, ये देखिए। ये हमारा आगे साइड का है, ये हमारा छोटा है, ये देखिए टॉप की ये फ्रंट साइड है, ये देखिए। इस प्रकार से हम टिक कर लेंगे, पूरे में गोलाई दे देंगे। इसी प्रकार से हम सब में करते चले जाएंगे। गाइज, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए और मेरा तरीका ये पसंद आए, तो आप कमेंट करें और बताएं कि आपको कैसा लगा। ये पूरा गोलाई में मैंने इसको दे दिया है, और यहाँ जो आस्तीन है यहाँ से हमने टिक कर दिया है इसको। और स्टिक से हम क्या टिक करेंगे, 5 इंचेस पर दोनों साइड में टिक कर लिया है। ये देखिए यहाँ पर हमारी आस्तीन है, आस्तीन से हमारा सेंटर पॉइंट आ गया है, सेंटर पॉइंट से 5-5 इंच पर दोनों साइड में हम टिक कर लेंगे। इस प्रकार से आप देख रहे हैं, मैं निशान आपको क्लियर दिखा रही हूँ। और इसके बाद हम क्या करेंगे, इसमें ये हमने लास्टिक लिया है, और इस लास्टिक को उससे पहले हम क्या करेंगे, इसमें एक इस सेम कपड़े की पट्टी काट लेंगे, और इस 5 इंच के निशान से इस तरीके से गोलाई में इस 5 इंच के निशान तक दूसरी साइड से रखेंगे, दोनों साइड में इस प्रकार से रखेंगे, और इसके दोनों किनारे सिलाई कर लेंगे, क्योंकि हमें इसके बीच में इलास्टिक डालनी है। और ये बाहर बिल्कुल भी दिखाई नहीं देगा, हम अंदर साइड से कर रहे हैं इसको। ये देखिए मैं पूरा सिल के दिखाऊंगी आपको, और दोनों किनारे से सिलाई करनी है। इस प्रकार से सिलाई हो गई और बीच में हमारी इलास्टिक आ गई, और किनारे किनारे पे हमें उसको सिलाई कर देना है। दोनों साइड में आ गया है ये, इस तरीके से लास्टिक का किनारा किनारा हम सिलाई कर देंगे दोनों साइड से। और ये मैंने रिबन लिया है ब्लू कलर का, इसको डेकोरेट करने के लिए, इसको हाईलाइट करने के लिए, और इसको सुंदर लगने के लिए ब्लू कलर का ये लिया है मैंने। और इसको हम सेम टिक पर, यानी कि जो 5 इंचेस का टिक किया था हमने, जहाँ पे लास्टिक हमने लास्ट किया था, लास्टिक को लास्ट तक हमने जोड़ा था, वहाँ पर इस प्रकार से पिनअप करेंगे। 40 इंचेस इसकी लेंथ है रिबन की, 40 इंचेस इसकी लेंथ है, और इससे हम 11 इंचेस पर टिक कर लेंगे। 11 इंच हमारा ये बीच में आ जाएगा, और बाकी साइड का हमारा छूट जाएगा, जिससे हम इसको बांधेंगे टॉप को। इससे सुंदर भी लगेगा और फिटिंग भी आ जाएगी, लास्टिक से भी फिटिंग आ जाएगी और रिबन से, इस प्रकार से ही आ जाएगा। यहाँ पर बीच में हम इसकी सिलाई कर देंगे, खींच खींच कर सिलाई करेंगे, पूरे में आ जाएगा इसकी जो मैंने लेंथ आपको दी है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। उसी के अनुसार हम इसको इस तरीके से हाथों से सेट करते चले जाएंगे, क्योंकि इसके बीच में लास्टिक भी है, और ये हमारा इस तरीके से सिल जाएगा बीच में सिलाई करेंगे। अंदर साइड में हमने कपड़ा लगाया था, फ्रंट साइड में हम रिबन लगा रहे हैं, और उसके बीच में जो है वो लास्टिक है।
और इस तरीके से हम यहाँ पर स्टॉप कर देंगे इसको। दोनों में इसी प्रकार से हम सिलाई कर देंगे, एक सिलाई और दे देंगे, यानी कि हमारी ये दो सिलाइयाँ हो गई हैं, दोनों साइड में हमारी सिलाई हो गई। ये देखिए, यहाँ पर इसको स्टॉप कर देंगे। इसी तरीके से हम दोनों साइड सिलाई करेंगे। ये देखिए, यहाँ पर, और ये जो बाकी रहता है इससे हमारा स्टॉप को बांधने के लिए काम आएगा। और ये टॉप में सुंदर भी लग रहा है क्योंकि येलो है और ये ब्लू है। इसके कॉर्नर्स को हम स्टिच कर देंगे और फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे, इससे इसमें थिकनेस आ जाएगी, मोटा हो जाएगा, इसको हम बांधने के काम ला सकते हैं। और इसमें अभी हम एक काम और करेंगे, अभी दोनों स्टेप्स को हम ऐसे ही रेडी कर लेंगे, फोल्ड करते हुए सिलाई करेंगे इस तरीके से। ये मैंने फोल्ड करके सिलाई कर लिया है, ये देखिए। अभी हम इसको यहाँ पर स्टॉप करके दूसरा सिलाई करेंगे, उसके भी इसी तरीके से सिलाई करेंगे जैसे हमने पहले किया था। हाथों से सेट करते चले जाएंगे, बीच में इलास्टिक है, ऊपर रिबन है और बैक साइड में हमारा कपड़ा है। ये देखिए, दोनों किनारे में इसी प्रकार से सिलाई कर लेंगे और सेम तरीके से स्टेप भी बना लेंगे। ये देखिए, मैं बना के आपको दिखा रही हूँ, कोई भी चीज़ मैंने स्किप नहीं की है। आप चाहें तो इसको बना सकते हैं, सीख सकते हैं और आप भी अपना चैनल चला सकते हैं। गाइस, मैं मेहनत तो काफ़ी कर रही हूँ लेकिन मेरे सब्सक्राइबर्स नहीं बढ़ रहे हैं। तो अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए, और मेरा चैनल आप देख सकते हैं वीडियोस में जा कर के, मैंने बैग की वीडियोस बना रखी हैं, टॉप की भी बना रखी हैं। और अगर आपको पसंद आता है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। और इसके बाद यहाँ पर आप देख रहे हैं कि हमने येलो कलर का कपड़ा लिया है जिससे हमने टॉप बनाया है। इस प्रकार से हमने गोलाई में कट किया है, उसको फोल्ड करके हमने इसके किनारे पर बीच में हमने ये जो लेस तैयार की है इसको हमने बीच में रखा है और गोलाई में सिलाई कर दी है, एक एक किनारे में सिलाई कर दी है, इससे इसकी गोल शेप आ जाएगी। ये देखिए, इसको हम सीधा करेंगे तो कितना अच्छा इसका ये लुक आ रहा है। यहाँ पर आप देख रहे हैं, ये देखिए, इसको हम सीधा कर रहे हैं, ये गोल आ गया और जो हमने सिलाई की थी वो अंदर साइड में आ गई है, वो तो दिखाई भी नहीं दे रही है, यहाँ से वहाँ तक कुछ भी सिलाई दिखाई नहीं दे रही है। ये देखिए, मैंने अपनी बेटी को ये टॉप पहना के दिखाया यहाँ पर वीडियो में, आप देख रहे हैं आगे से ऊँचा है और पीछे से नीचा है। और ये मैंने जीन्स पर पहनाया है, कितना अच्छा ये लुक आ रहा है। और आस्तीन आप देख सकते हैं, कितनी अच्छी आस्तीन आई है। मेरी बेटी कह रही है, मम्मा मुझे बहुत अच्छा लग रहा है ये। ये देखिए कितना अच्छा लुक आ रहा है, कितना स्मार्ट लुक आ रहा है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो आप मेरे वीडियो को लाइक और शेयर करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें गाइस। ओके, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।